SCPCM सेकेंड ईयर यूनिट थर्ड बुक थर्ड लेक्चर फिफ्थ बाय ट्विंकल. टुडेज टॉपिक इज एटॉमिक और आयोनिक पोलराइजेशन. आयोनिक पोलराइजेशन अकर्स ड्यू टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन एन आयोनिक क्रिस्टल. सो आयोनिक क्रिस्टल में जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं उनका जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यही क्या कहलाता है हमारा आयोनिक पोलराइजेशन. और वी कैन से डैट इफ अ क्रिस्टल और मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ मोर देन वन काइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस अराउंड एन एटम इन द क्रिस्टल और मॉलिक्यूल्स लीन्स टू पॉजिटिव और नेगेटिव. तो क्या मतलब हुआ, अगर कोई भी क्रिस्टल है मॉलिक्यूल है उसमें हमारा जो एटम है उस एक से ज़्यादा टाइप के हैं तो जो चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन होंगे एटम और क्रिस्टल के अंदर अगर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक साइड हो जाएंगे और नेगेटिव हमारे एक साइड हो जाएंगे. पर किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में. ठीक है, तो अगर क्रिस्टल मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा एटम भी एक तरह से ज़्यादा के भी हों जब भी हमारा पोलराइजेशन उस क्रिस्टल के अंदर हमारा पॉसिबल होता है. So, as a result, when lattice vibration or molecular vibration induce relative displacements of the atom, the center of positive and negative charges are also displaced. और as a result, किसका result है, जब हम electric field की presence में अपने ion molecules को लेकर जाएंगे तो जो मॉलिकुलर वाइब्रेशन होगा लैटिस वाइब्रेशन होगा बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है हमारी स्ट्रांगली लग रही है तो वो क्या डिस्प्लेसमेंट करेगी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को. तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ऑफ द एटम. तो जो सेंटर्स होंगे पॉजिटिव चार्जेस के जितने भी लोकेटेड सेंटर होंगे और जितने भी नेगेटिव चार्जेस के सेंटर्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे डिस्प्लेस हो जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव. क्या होगा हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में आगे डिस्प्लेस हो जाएंगे और नेगेटिव क्या होगा अट्रैक्शन फील करेंगे तो वो अपने सेंटर से उसकी तरफ रिलेटिव डिस्प्लेस क्रिएट करके उसी की तरफ अट्रैक्ट होकर डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज द लोकेशंस ऑफ दीज सेंटर्स आर अफेक्टेड बाय द सिमेट्री ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. एंड द फिफ्थ पॉइंट इज द डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. तो जो लोकेशन है इन सिमेट्री इन सेंटर्स की पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की भी जो पहले क्या थी, पहले अपनी पोजिशन पे थी, डिस्टोर्टेड नहीं थी. जब इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाती है तो इनके जो सेंटर्स हैं इनकी लोकेशन है वे भी क्या हो जाती है हमारी डिस्टोर्टेड हो जाती है अफेक्टेड होते हैं. इनकी जो सिमेट्री है वो भी क्या होगी अफेक्टेड होगी. तो इनका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसकी जो सिमेट्री होगी वो टोटली चेंज हो जाएगी किसकी नेगेटिव आयन्स की और पॉजिटिव आयन्स की. और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पे. अगर हम टेम्परेचर लगाएं तो इसमें भी कोई भी हमारा टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी ओनली बिकॉज ऑफ हमारी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसमें. नाउ इन डायग्राम द लैटिस कैन बी कंसिडर्ड टू कंसिस्ट ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव डायपोल्स एज शोन. ये हमारा लैटिस डायग्राम है. इसमें इससे जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई उससे पहले का डायग्राम है. तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव इस तरीके से यहाँ पे आयंस लोकेटेड है. अब तक इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगी तो इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है कोई भी. So from diagram we can conclude that each Na positive and Cl negative pair is a natural dipole no matter how you pair up टू एटम. तो जितना भी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का एक नेचुरल डायपोल्स है चाहे तुम Na को कौन से भी डायरेक्शन में पेयर अप करो तो एक नेचुरल डायपोल वहाँ पे क्रिएट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले. एंड द पोलराइजेशन ऑफ अ गिवन वॉल्यूम हाउएवर इज एग्जैक्टली जीरो बिकॉज फॉर एवरी डायपोल मोमेंट देयर इज अ नेबरिंग वन विद एग्जैक्टली द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन. यहाँ पर डायपोल्स तो क्रिएट हो रहे हैं बट जो ओवरऑल डायपोल मोमेंट है वो क्या होगा जीरो. अगर ओवरऑल डायपोल मोमेंट जीरो होगा तो पोलराइजेशन भी हमारा क्या होगा पूरा गिवन वॉल्यूम का वो जीरो होगा क्योंकि जो हम डायपोल एन ए सी एल से क्रिएट हो रहा है सेम एंड दूसरे एन ए सी एल से क्रिएट हो रहा है बट इन अपोजिट डायरेक्शन. तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे. तो ओवरऑल जो पोलराइजेशन है ओवरऑल जो डायपोल मोमेंट है वो क्या होगा जीरो. तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले ओवरऑल वॉल्यूम का हमारा जो डायपोल मोमेंट और पोलराइजेशन हम क्या बोल सकते हैं वो क्या है हमारा जीरो है क्योंकि वो NaCl एक दूसरे के डायपोल मोमेंट से वो क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे क्योंकि वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं. एंड नोट डैट द डायपोल्स कैन नॉट रोटेट देयर
डायरेक्शन इज़ फिक्स्ड, अगर वो रोटेट नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले वो रोटेट नहीं होंगे, अगर रोटेट नहीं होंगे तो वो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के जो डायपोल मूवमेंट्स को वो क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। ये जब कंडीशन है जब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई, तो ओवरऑल पोलराइजेशन गिवन वॉल्यूम का वो क्या होगा, जीरो, क्योंकि वो रोटेट नहीं हो रहे हैं अपने फिक्स डायरेक्शन से। Now, in an electric field, the ions, fields, forces in opposite direction. For a field acting as shown, the lattice distorts a little bit. अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ, तो हमारे जो NaCl है, आयंस हैं हमारे, ये क्या होंगे, डिस्प्लेस्ड होंगे। तो देखिए जो डी डिस्टेंस है, ये जो आयंस है अपने सेंटर से जो लिटिल बिट हमारा डिस्प्लेस्ड हुआ है, ठीक है। Na क्या था हमारा, ये जो ब्लू कलर का आयन है, और ग्रीन वाला क्या था हमारा, Cl नेगेटिव था। तो जो डी हमारा डिस्प्लेस्ड हुआ है, ब्लू वाला आयन है पॉजिटिव वाला, वो थोड़ा सा हमारा राइट साइड में डिस्प्लेस्ड होगा, और जो डिनोट क्या है हमारे Na और Cl के बीच का डिस्टेंस है, वो कितना डिनोट से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना डिस्प्लेस्ड होगा। Now the Na positive ions moved in a bit to the right and Cl negative ions to the left. जो Na positive है वो electric field की वजह से, क्योंकि positive इससे है, इस side लगा हुआ है, तो Na positive क्या है, ions कहाँ है, right side की तरफ displaced हो जाएंगे, और Cl negative left side की तरफ displaced हो जाएंगे। The dipole moments between the adjacent NaCl pairs in field direction are now different. And there is a net dipole moment in a finite volume now. So, जो total dipole moment है, अब क्या है, जितने भी सारे अलाइन थे different different direction में, ताकि इनका dipole moment zero हो रहा था, अब electric field की वजह से ये सारे एक direction में aligned हो जाते हैं, NaCl सारे के सारे dipole. तो अगर हम net volume का dipole moment निकालना चाहें, तो वो कुछ ना कुछ finite होगा, तो net dipole moment finite create हो जाता है due to presence of applied electric field. Now, if suppose d naught is the distance between the ions Na positive and Cl negative, ब्लू कलर से और ग्रीन कलर के डिनोट क्या है हमारा, डिस्टेंस है जब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई। अब क्या है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो ये जो डिनोट था ऑलरेडी इनके बीच में एक डिस्टेंस था, अब d क्या है, d डिस्टेंस ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये अपने पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयन अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे। तो d प्लस डिनोट डिस्टेंस कब आया, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया। और वी कैन से डैट द सिचुएशन वेयर द डिस्टेंस बिटवीन द आयंस इंक्रीजेज बाय डी, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गया, तो हमारे आयंस के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो गया बाय डी, तो डी प्लस डी नॉट। एंड द सिमेट्रिकल सिचुएशन वेयर द डिस्टेंस डिक्रीजेज बाय डी, तो सिमेट्रिकल सिचुएशन क्या है, जब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था, तो हमारा जो डी डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाता है, तो पहले डिस्टेंस क्या होना था हमारा, डी नॉट।